एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं पर साद जप गुर पर साद जप गुर पर साद जप आद सच जुगाद सच आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच। साल मुगल सल्तनत इस सूर में बंदा सिंह बहादुर का कुछ भी ना बिगाड़ सकी। इसने दुनिया की सब तो ताकतवर सल्तनत की नक हेठा अपने गुरु के सुपनों का पंजाब वसाया। जालमा का नाश करके जुल्मा तो मुक्त पहला खालसा राज सजाया। लाहौर तो फिर निकलिया मानवता के इतिहास का सब तो भयानक जलूस। बंदा सिंह जलील करने शाही पोशाक पहनाई गई। उसके 3 साल के मासूम पुत्र कैदी बना 740 सिंह के नाल दिल्ली ले जाया गया। शिव परमानु हे शुभ कर मन ते कब जब जाए
बुलंद हौसले दी शान विच साडे देश दे महान राष्ट्रगीत लिखण वाले महाकवि रविंद्रनाथ टैगोर ने एक कविता लिखी बंदी दी। अवशेषे बंदा बहादुर मुगल दे हाथों आखिर बंदा मुगल फौज दे हाथ आ गया। शेर वांग उसनु पिंजरे विच पा दिल्ली ले आंदा गया। ज्यादातर सिंघां नूं असीं पंजाब विच टिकाणे लगा दिता है। बचिया कोचिया दी कल टिकाणे लगाउण असीं इत्थे दिल्ली लिआए आ। जिहड़ा साडा मजहब कबूल करे ओनू रिहा करो ते जिहड़ा ना करे ओनू फौरन अलविदा करो। आखरी वार पुछ रहा, जे को साडा धर्म कबूल करता है उसनू बख्श दिता जावेगा। ओ सिपाहियो लियाओ इक नूं। ओ जल्लाद पहला मैं। ओ जल्लाद पहला मैनूं मुक्ति दे। हर कैदी सिंह सब तो पहला शहीद होने लई खड़ा सी। हर चढ़दे सूरज नाल 100 सिंह शहीद कर दिते जांदे। 7 दिनां विच 700 सिंह शहीद कर दिते गए। 700 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲਿਜਾਂਦਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਹਰ ਕਤਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਉਮੀਦ ਘਟਦੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। 3 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੜਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪੁੱਤਰ? ਡਰ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੰਘਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਲਈ ਅਟਲ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ। ਚੱਲ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਖੁਦ ਕਤਲ ਕਰੇਗਾ। ਸਿੰਘ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਦੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਹੈਵਾਨੀਅਤ ਦੇ ਮਹਾਰਥੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜੱਲਾਦਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਦੀ ਲਾਲ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਚੁੰਮਿਆ ਤੇ ਬਾਲ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ ਆਖੀ। ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਨਿਰਭੈ ਹੋਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਗੱਜ ਕੇ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਨਿਰਭੈ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ। ਬਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਉਚਾਰਦਿਆਂ ਪੌੜੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। 7 ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਤੇਰੀਆਂ ਸ਼ਾਂਤ ਅੱਖਾਂ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤਸਤੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੰਨ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੱਕ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਰੁਕ ਕਿਉਂ ਗਿਆ? ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭੰਨ ਦਿਓਗੇ, ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾ ਦੀਆਂ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭੰਨੋਗੇ? ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦੁਰ ਦੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਜਮੂਰਾਂ ਨਾਲ ਨੋਚਿਆ ਗਿਆ, ਪੋਟੀ ਪੋਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦੁਰ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਉਸਦੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਅਟਲ ਇਰਾਦੇ ਤੋਂ ਹਿਲਾ ਨਾ ਸਕੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਨੀਂਹ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਮਧੁਰ ਸੁਰ ਫਿਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁੱਖ ਸੁਨੇਹ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ।
आनंदपुर साहब दी रौनकां नूं किसे दी नजर लग गई। धोखे नाल वजीर खान ने गुरु साहब तो आनंदपुर साहब का किला खाली करवा लिया। सरसा नदी ते आके उन्हां दा सारा परिवार खेरू खेरू हो गया। 40 सिंघां ते 2 पुत्रां समेत गुरु साहब ने चमकौर दी गढ़ी विच डेरा लाया। 10 लख दी फौज लै के वजीर खान ने हमला बोल दिता। दुश्मन नाल लड़दे होए पहला बाबा अजीत सिंह शहीद होए, फिर बाबा जुझार सिंह ने गुरु पिता तो आशीर्वाद लेके जंग विच जाके वीर गति प्राप्त की। गंगू दे लालच ने माता जी ते छोटे साहबजादियां नूं वजीर खान दे खूनी पंजां विच सौंप दिता, जिसने काजी नाल मिलके छोटे साहबजादियां नूं दीवार विच चिण के शहीद करन दा फतवा सुना दिता। दीवार ने बच्चियां दी बहादुरी दी दाद दिती ते उन्हां दे चरणां ते डिग पई। वजीर खान दा इशारा पाके जल्लादा ने बच्चियां दे सिर कलम कर दिते। इस तरह गुरु साहब ने सरबंस वार के मानवता की खातर अपना फर्ज निभाया। ਸਤਾਰਾਂ ਸੌ ਅੱਠ ਸਰਹੰਦ। 3 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਰ ਵਿੱਚ ਚਿਣ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ वजीर खान ने टुट्टी दी टुट्टी इस लई छड़ दिता सी कि ओ भयानक दृश्य लोकां नूं उस दी दहशत दी याद दवांदा रहे। पर इस दे उलट उस टुट्टी हुई दीवार नूं लोकी आके प्रणाम करदे। कईआं नूं तां उत्थों वाहेगुरू वाहेगुरू दीआं आवाज़ां सुनाई दिंदियां सन। साहबजादियां दी कुर्बानी वाली जगह ते कोई शरधालू हर महीने उन्हां दी शहीदी वाले दिन जोत जगा जांदा। कौन जगा जांदा ये पता नहीं सी चलदा। अज भी इस महीने की उही तारीख है। वजीर खान की दहशत अगे एक केड़ा सिर सी जेड़ा चुकने लई तैयार नहीं सी। कैसी है बेटी, जल्दी कर। कमरुद्दीन, जोत किसने जगाई? पता नहीं जनाब, मैं तो नमाज पढ़ने गया सी। ओए मोहतरमा, इधर आ। क्यों कमरुद्दीन, ये और थोड़े होने इतने आई सी? जनाब, बेशक बुढ़ापे च मेरी नजर कमजोर हो गई है, पर अच्छे बुरे दी पहचान है। इन्हों मैं पहले इत्थे कदे नहीं देखिया। ए जोत तू जगाई है? जोत ता साहिबजादे अपने बलिदान दी साडे दिलां च जगा गए ने, जड़ी हमेशा जगदी रहेगी। ओए कुड़िए, दरोगा सब नाल उच्चा बोलदी है, चल भज जाए तो चल, नहीं तो तैनू भी बाकी हमदर्दा वांग काल कोठड़ी च बंद कर दिता जाएगा। चल भज जाए तू। कमरुद्दीन, लोकां नूं तां असीं कैद कर लवांगे, पर उन्हां आवाज़ां नूं किवें कैद करांगे जिहड़ियां इस दीवार चों आउंदियां ने? तां ही इस लड़की दे दीवे नूं जलाण तों थोड़ी देर बाद मैं दीवे नूं इत्थों चुक लैंदा हाँ। इस तरह उसकी श्रद्धांजलि भी पूरी हो जाती है ते सरकार दे कन्ना तक गल भी नहीं जाती। होरां दी मैं की आखां, मैं खुद कई बार जदों इत्थों दी लंघदा हाँ तां मैनूं वाहेगुरू वाहेगुरू दीआं आवाज़ां सुनाई दिंदियां ने। सुनिया जनाब? जनाब, ये सब तां अफवाहां ने। ओ किहड़े वाहेगुरू दी आवाज़ ते कित्थों आउणी है? वैसे हुण सिखां कोल बचे की है? गोबिंद दे वड्डे पुत्रां नूं तां तुसीं चमकौर दी लड़ाई च मरवा दिता ते छोटियां नूं सरहंद च मार दिता। हिंदू ते सिखां नूं तुसीं ऐसे भयानक तारे विखाए कि सारे डर ते मारे सहम के घरों घरी बैठ गए ते बादशाह दी अखीं घट्टा पाउण लई तुसीं अपने दरबार च 2 सिख आली सिंह ते माली सिंह नूं दीवान दी पदवी दे रखी है। हुण तां दस दिओ किहड़ी परेशानी है जिहड़ी तुहानूं अपनियां उंगलां दे पटाके पाउण लई मजबूर कर रही है? गोबिंद सिखां दा गुरु जिहड़ा हमेशा मेरी मार तो बचता रहा, मैं उसदे बच्चे तक मरवा दिते, फिर भी उन्हें आके मेरी चौकट ते सिर नहीं चुकाया। मैं भावें पूरे सिंघां नूं क्यों ना खत्म कर देवां,
जब तक उन्हां दा गुरु जिंदा है मेरी समस्या ज्यों दी त्यों बनी रहेगी। खान साहब ए दोवें तुहाडी समस्या दा हल करके विखाउणगे। जिसका सिर कलम साड़ी तलवार ना कर सकी कि तुसी उसका शिकार करोगे? जी हाँ, साड़े वार नाल मरेगा गोबिंद ते सदमे नाल मरेगी पूरी सिख कौम। तुहाडे जवाब ने तो मेरी उम्मीदां दे बंद दरवाजे खोल दिते ने। सो चनंद इन्हां दियां चोलियां सौगातां नाल भर दियो। जी। बादशाह गुरु नू दक्खण वल लै गया है, उत्तर वल ना आवे ते जे किते जावे उपर ही जावे। जाओ। गोबिंद की हत्या? खान साहब अपनी सोच बारे दोबारा सोच लेना कोई माड़ी गल नहीं। उस गुरु की मौत विच ही मेरी जिंदगी है, इस तो पहला कोई होर मुसीबत मेरे वल नू आवे। महंत जी, कोई अपने डेरे ते आया ते आउन सार उन्हें तो अपने मठ की मर्यादा मिट्टी च मिला दी। बकरे झटके ते अपने प्रसाद बनाने वाले चुल्हे ते मास रिन्नना धरता ते आप ओ तुहाडे पलंग ते पसर के बैठ गया। केड़ा है जिन्हें इन्नी हिम्मत की? बाबा जी सबक सिखाओ उसनू। उत्थे बैठे ही पलंग सने धरती नाल पटका के मारो, फिर जाके पुछो। जाके पुछा? नहीं, अपनिया शक्तियां भेज के पलंग सने ओनू इत ही बुलावांगा। हुणे इसे वेले तुहाडे सामने दे हनेरे चो निकल के सच्चाई दी रोशनी में जा। तुसी कुछ सुनिया? नहीं महंत जी, तुसी ता कुछ नहीं किया। माधोदास, परमात्मा दी आवाज सिर्फ आत्मा सुन सकती है ते आत्मा दी आवाज सिर्फ परमात्मा। केवल मंत्र धुनी नाल दुनिया च शांति नहीं मिलती, मन नू टिका के रखना भी जरूरी है। तू पटक चुका है माधोदास, आज पहली बार तेरे सारे मंत्र तंत्र बेअसर साबित हुए ने। तेरे डेरे पहुंचन वाला शख्स कोई मामूली इंसान नहीं है। साढ़े तो तू यही सोच रहा है ना कि इन्होंने तेरे डेरे की पवित्रता भंग कर दी? माफ करना महाराज, मेरे पवित्र स्थान से निर्दोष जीवों की हत्या हुई है, उन्होंने खून नाल आश्रम की मिट्टी लाल है, हुण मैं इत्थे ध्यान नहीं लगा सकता। गुरु साहब ने कहा, यही तो मैं समझ नहीं सी आ रहा कि बाहर तो मुगल निर्दोष बेकसूर इंसानों बकरियां की तरह हलाल कर रहे हैं, वो केड़ा ऐसा मंत्र है जड़ा शरेआम हो रहे अत्याचार वाली तेरा ध्यान नहीं जान देंदा। रजौरी दा रहन वाला है तू, तवी सतलुज ब्यास रावी जमुना गंगा नर्मदा नदियां पार करके गोदावरी दे कंडे आके डेरा लाया है। मेरी मन एक बार फिर तो सफर शुरू कर, राह विच तैनू गरीब मेहनत कश रोंदे हुए किसान मिलेंगे, उन्हां दे हंजू पूंजी उन्हां दियां मुस्कराहटां पिछे बैठा परमात्मा तेरी उड़ीक कर रहा है। अंतर्यामी तुसी कौन हो? गुरु साहब ने कहा, ओही जिन्हों तू जानदा इंज नहीं माधो, मन दियां अखां नूं खोल।
तुसी ता साक्षात गुरु गोबिंद सिंह जी हो। हाँ माधुदास, जिवें गुरु साहब नू दादू द्वारे दे महंत जैत राम तो तेरे बारे पता चलिया, सीधा ही तेरे डेरे चले आए। मेरे पागान। गुरु साहब ने कहा अपने पागानू होर जगा, तू कर्मवीर है, जिस कर्म दे लई इस धरती ते आया है उस दी कमान संभाल, तेरा सुभाव ता शिकारियां वाला है। ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਉਹ ਲੋਕ ਓਨੇ ਹੀ ਮਾਸੂਮ ਤੇ ਬੇਕਸੂਰ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਤੇਰੇ ਤੀਰ ਨਾਲ ਮਰੇ ਉਹ ਹਿਰਨੀ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਸਾਰ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਮ ਤੋੜ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਤੜਪ ਤੜਪ ਕੇ ਮਰਦਾ ਵੇਖ ਨਾ ਸਕਿਆ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਨਿਆਂ ਦੇ ਤੀਰ ਵੀ ਤੋੜੇ ਸੀ ਤੇ ਕਮਾਨ ਵੀ ਸੁੱਟੀ ਸੀ। ਉਸ ਕੀੜਾ ਦੀ ਤੜਪ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਲਕਸ਼ਮਣ ਦੇਵ ਤੋਂ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। अंतर्यामी, मैं? गुरु साहब ने कहा हाँ हाँ, तू कौन? जी मैं तुहाडा बंदा। ओ केड़े पापी ने जिहड़े बेकसूर लोकां दा खून वहांदे ने? किवें सजा देंगा उन्हां लोकां नूं? तंत्रा मंत्रा नाल उन्हां दे मंजे मुद्दे मार के? तंत्रा मंत्रा वाले माधोदास की मौत तां तुहाडे दर्शन करके हो गई सी बचा वाले साइया, हुण तुहाडे सामने तुहाडा बंदा है। हुण तुसी अपने इस बंदे नूं इहो जिहा सिंह बनाओ जिहदी तलवार किसे बेगुनाह ते उठे ना ते किसे पापी नूं बख्शे ना। गुरु साहब फिर उसनूं कहंदे हन, तैनूं बस बंदा ऐसा बहादुर सिपाही बनावांगे जिहड़ा इंसानियत दे दुश्मनां नूं लोहे दे चणे चबवा देगा। गरीबां ते मजलूमां दा सहाई खालसा बनावांगे। नंदेड़ विच गुरु जी ने अपना डेरा गोदावरी नदी दे कंडे लाया। उत्थों दा वातावरण बड़ा ही दिल खिचवां सी। हिरनां दा झुंड आके चुपचाप कोने ते बह जांदा ते मोर नचना भुल शांत होके बैठ जांदे। एहो जहे वातावरण विच आके माधो दास अते उसदे साथी तन हो गए। युद्ध दे मैदान च घोड़े साडे शरीर दा हिस्सा हुंदे ने, इसलिए तुहाडे ते घोड़े दे दरमियान सही तालमेल होना बहुत जरूरी है। थोड़ा वक्त लगेगा। माधो दास, सब तो पहला ए सीखना है कि अपना बचाव किवें कीता जावे। चलो हुण तुसी वार करो। ना, इस तरह तुसी एक वार नूं रोक रहे हो पर दूसरे वार नूं न्योता दे रहे हो। जदों तलवार तुहाडे हाथ च होवे तां नज़र दुश्मन ते टका के रखो। लाल रंग सिर्फ तुहाडी तलवार दी शान होवे, दुश्मन दी तलवार हमेशा बेरौनक होवे। जंग हौसले नाल जित्ती जांदी है पर असूलां दे लई लड़ी जांदी है। पंजाब दे हालात बेहद चिंताजनक हन। इस वक्त सब तो वध जरूरत है लोकां दा साथ देण दी। जंग दे असूलां नूं जान लैणा अत्यंत जरूरी है। गुरु साहब ने संगत नूं समझाया, लोकां नूं अगर जालमां तों बचाउणा है तां अपने आप नूं बचा के रखो। ना समझी नाल अगे वध के दुश्मन दे हथियारां दी भेंट चढ़ना बेवकूफी। गुरु साहब ने बंदा सिंह नूं समझाया, जे तुहाडी मौत होरनां लई प्रेरणा नहीं बन सकती तां शहीद होण दा कोई फायदा नहीं। मरना उसे दा सफल मन्या जांदा है जिहड़ा दूसरियां नूं मरण दी जाच सिखा देवे। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਵਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਤੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨੰਦੇੜ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਚ ਆਨੰਦਪੁਰ ਜੋ ਰੌਣਕਾਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਰੌਣਕਾਂ ਵਰਗੀ ਮਿਸਾਲ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸੰਗੀ ਰਹੇ ਹੋ।
दसो ना माधोदास दरबार सजदे बेअंत संगतां आउंदियां जांदियां हर पासे खुशी दा माहौल सी इना खुशियां नूं होर भी चार चंद पता कदों लगदी सी कदों भाई साहब जदों गुरु साहब जी दे चारों साहिबजादे इलाके विच हसदे खेडदे वेख के लोकां दे चेहरे खिल जांदे रमणीक ने नजारे इस शहर दे गगन ते जगदे ने चार तारे हसे अनंतपुर तो खुल के चिन्ह लुटाए तारे आकाश तो धरती सजोन आए जथेदार जोरावर सिंह ते जथेदार फतेह सिंह दरबार वे औरंगजेब ते वजीर खान नूं पेश करो कोई औरंगजेब बनन लई तैयारी नहीं हो रहा हां वीर जी कोई भी वजीर खान नहीं बन रहा खबरदार इस वक्त असी किसी दे वीर जी नहीं राजा हां राजा ओ भी बहुत गुस्से वाले राजा फतेह सिंह राजा तो बड़ी गुस्से वाला है कोई ना कल साडी वारी है दोषियां नूं पेश करो नहीं तुहानु दोहानु बर्खास्त कर दिता जावेगा रुको रुको खालसा जी खालसा जी रुको ना सिंह जी तुसी थोड़ी देर लई औरंगजेब बन जाओ तुसी वजीर खान बन जाओ ओ की कह रहे हो साहिबजादे मैं क्यों बना औरंगजेब ओ ना जी ना वजीर खान ता साडा दुश्मन है मैं एक दुश्मन कदे ना बना ओ ता इना नीच है कि जे किते ओ सानू दिस जाए असी ता ओनु ओथे ही ढा लिए सिंह जी सिंह जी सिंह जी वजीर खान बन जाओ ना गंगू गंगू इधर आओ ना ऐ करो गंगू थोड़ी देर लई औरंगजेब बन जाओ नहीं नहीं साहिबजादे गंगू गुरु माता जी ने जल्दी बुलाया है तुसी अपने पिंड खेड़ी जाना है ना जेकर तुसी साड़ी गल मनोगे ता असी गुरु माता जी नू कह के तुहानू 8 दिनां दी छुट्टी दवा देवांगे जी ए गलत ते फिर ठीक है वजीर खान बन जाओ वजीर खान ही औरंगजेब नहीं वजीर खान मैं इसनू पहला देखा सी ओ पहला तुसी दोवें भरा फैसला कर लो कि मैं वजीर खान हां या औरंगजेब उस दा फैसला असी करांगे सानू पहला औरंगजेब दी जरूरत है हां ता महाराज औरंगजेब हाजिर है औरंगजेब तुहानू असी अपने गुरु दादा जी दे कीते जुल्म दी सजा देना चाहुंने आ पर असी हत्थे ते वार नहीं करदे तुहानू साडे नाल युद्ध करना पवेगा जे तुसी जित गए ता सजा माफ जेकर असी जित गए ता तुहानू साडा मुल्क छड के जाना पवेगा महाराज मेरी औकात नहीं है युद्ध जीतन दी मैं बिना युद्ध किते ही तुहाडा मुल्क छड के जान लई तैयार हां बहुत देर हो गई है गुरु माता जी मैनू गुस्से होणगे महाराज औरंगजेब तो भज गया देख लियो एक दिन सारे मुगल इसे तरह साडे मुल्क नु छड के भज जाणगे महाराज बहुत मेहनत कीती है तुसी औरंगजेब तो भज गया हुन तुहानू भूख लगी होवेगी चलो चल के कुछ खा लो नहीं हाले सानू बहुत कम है सोच लो महाराज मक्खन नाल गरम गरम चूरी तैयार है की ख्याल है मक्खन ते चूरी चूरी मक्खन चूरी मक्खन दरबार बर्खास्त किता जांदा है दादी माता पुत्र मक्खन ता आ जावे फेर ही देवांगी ना पहला वड्डा खाएगा ताई ओ वड्डा होएगा क्यों छोटे पहला खाके वड्डे नहीं होंदे जेड़ा वड्डा ना छोटा ओने ते भूखा ही रह जाना ओ प्रेमो आई मदाणी नु भी पता है तुहाडी भूख दा अज तो पहला नालों किते वद मक्खन निकले बच्चा नू मक्खन फड़ा दे मक्खन नाली रजी जाने हो आज चूरी किन्ने खानी है चूरी मेनू दे गुरु माता सची आज तो बड़ी भूख लगी है गंगू चूरी नहीं ले आया ले आ रहे हैं माता जी गंगू तू 8 दिनां दी छुट्टी दे लालच विच औरंगजेब बनन नूं तैयार हो गया जेकर तैनूं वड्डा लालच दित्ता जावे त
था पहला तू की कुछ करण नु तैयार हो जावेगा। नहीं जी, मैं तो बस इंजी खेड रहा सी। खेड विच भी रिश्वत लेना ठीक नहीं। हाँ जी जी जी। पुत्तर तू सवेर तक किथे गया सी? गुरु माता जी, पहाड़ी राजिया ते मुगल फौजा दी नियत कुछ ठीक नहीं लग रही। गुरु पिता जी कोल बैठे सलाह मशवरा कर रहे सी। वीर जी, पर साड़ी सिखा दी फौज मुगला दी फौज नालों कट क्यों है? शेर किंतीच काट होंदे ने, पर राज पूरे जंगल ते कर देने। जोरावर सिंह, शेर दी तरह टुक के पै जा। हाँ हाँ वीर जी, आ वेखो। वीर जी मैनू भी खिडाओ, मैनू भी खिडाओ। ओहो फतेह सिंह, तू एक पासे हट जा, तू हले छोटा है। देखो वीर जी, ओडा आप नहीं जिड्डी वड्डी डांग चक्की फिरदा है। पहला साडे जिड्डा ता हो जा, फिर आके साडे नाल एहो जी खेड खेडी। फतेह सिंह जी, हुण जाओ इत्थों। ओहो इन्ना उतावला, आपे तो कहने हो वीर जी, पूरे जोश नाल चल ध्यान नाल खेड। थोड़े जिड्डा हो गया, हुन नहीं तुसी मैनू रोक सकदे। पावे कोल खड़ के वेख लो, चलो हुन खिडाओ मैनू। जिद ना कर, तेरे सट फट लग जेगी। फिर की होया, खेडन लगे सट्टां ता वजदी आई ने। एक खेड नहीं गतका वा, जिहड़ा युद्ध दे मैदान च कम आंदा है। फिर ता मैं जरूर सिखांगा, मैं भी युद्ध ते जावांगा। हुन जल्दी जल्दी खिडाओ मैनू, नहीं ता मैं अजीत वीर जी नू दसांगा। चल फतेह सिंह, हुन जल्दी हट जा, वीर जी खेडो ना। हां चल ध्यान नाल खेड। आज किसे नु डांट पवेगी, आज किसे नु डांट पवेगी। वीर जी खेडो ना। फतेह सिंह की हो गया तेनु? मेनू अजीत वीर जी ने किया है, जेकर कोई मेरी गल ना मने जा मेनू कोई तंग करे, मैं उनां नु जाके दसा। वीर जी खेडो ना। चल आजा खेड। ता आज किसे नु डांट पवेगी, आज किसे नु डांट पवेगी, डांट पवेगी। आओ तशरीफ ले आओ। चलो 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 चलो। बाबा फतेह सिंह दे सिर ते दस्तारां वेख के गुरु पातशाह ने निहंगां दी प्रथा शुरू की थी। फतेह सिंह सब दे लाडले सी, इसे लई सिख संगतां निहंगां नूं भी गुरु साहब दीआं लाडलियां फौजां कह के बुलांदियां ने। आनंदपुर दा धोखा, सिरसा दा कहर, गंगू दा लालच ते चमकौर दे घमासान युद्ध तो बाद मुगलां दे सख्त पैरे नूं तोड़ गुरु साहब माछीवाड़े तो सालोनी पिंड हुंदे हुए पिंड जटपुरे विचों दी लंघ रहे सन कि रस्ते विच उन्हां नूं राय कोट वाला चौधरी राय कला मिलिया। सच्चे पातशाह जीओ, मैं तां तुहाडे पालकी च दर्शन करके ही धन हो गया, होर कोई सेवा है तां हुक्म करो। गुरु साहब ने कहा, किसे भरोसे वाले समझदार गुरमुख प्यारे नूं सरहंद भेजो, असी माता जी ते छोटे साहबजादियां दे हाल बारे जानना चाहुंदे हां। सरहंद वल्लों आ रहीआं हवावां विच बेचैनी है। गुरु पातशाह जीओ, मेरे नौकर नूरा माही दी भैण दा निकाह सरहंद विच होया, आपां इस नूं हुणे भेज दिंदे, नाले किसे नूं शक वी नहीं होएगा। रसिया रसिया वेख, मैं तेरा वीर रायकोट तो तेनू मिलन आया। मैं तो सोचा सी मेरी रजिया भैन मेरे नाल लड़ूगी कि मैं उहदे कोल इन्नी देर बाद आया, पर तू तो मेरे नाल भोरा भी गल नहीं कीती। की गल, इन्नी नाराज अपने वीर नाल? रजिया नूरा मैनू सारा कुछ खुल के दसो, असल चैनू होया की है? गुरु गोविंद सिंह जी दे छोटे साहबजादे जदों दीवार च चिणिया गया सी। की? रजिया उसे जगह तो थोड़ी ही दूर खड़ी सी। लक्की वीरे, टोटर माल ने वजीर खान कोलो जगह खरीदी है ते हुण उस जगह ते माता ते बच्चा दा संस्कार कर रहे हैं। ओ इत्थे की हो रहा है लक्की? बड़ी हिम्मत कीती जी,
साहब ने कहा मुगलिया सल्तनत की जड़ पुट्टी गई हुण इहदे दिन उंगलां ते गिने जा सकदे ने। कौम दी खातर सब कुछ कुर्बान कर देण वाले दे मत्थे ते भोरा भी शिकन नहीं। हाँ जद कदी वी असीं उहनां नाल माता जी जां साहिबजादियां दी गल करदे हाँ तां तेरा भाणा मिठा लागे कह के गल शुरू होण तों पहलां ही खत्म कर देंदे ने। अज दे दीवान दी समाप्ति होण तों पहलां जेकर संगत विचों किसे ने कुछ पुछणा होवे तां पुछ सकदा है। गुरु जी जेकर कोई पाप करदा है तां कि उसनूं इसे जन्म विच ही भोगना पैंदा है। हाँ बिल्कुल गुरु साहब ने समझाया पापां दा हिसाब इत्थे ही दे के जाना है। गुरु साहब ने मुस्कुरा के कहा ता आखिर तुसी पहुंच ही गए। बड़ी दूरों आए लगते हो। जी गुरु जी सानू आशीर्वाद दियो। गुरु साहब ने कहा वाहेगुरु तुहाडियां मुरादां पूरियां करे। गुरु जी पापी ते अपराधी विच की अंतर हुंदा है? पापी ओ हुंदा है जो पाप करन बारे सोचे। अपराधी ओ हुंदा है जो सोचे हुए पाप नू अंजाम तक ले जावे। की पापी दा चेहरा पढ़िया जा सकता है? पापी दा पाप उदे चेहरे ते साफ शब्दां च लिखिया हुंदा है जिस नू असीं सिर्फ मन दी अखां नाल ही पढ़ सकते हां। ए ता फेर तुहाडे वर्गे अंतरयामी ही पढ़ सकदे ने। असीं ता किसे वेले वी धोखा खा सकदे हां। गुरु साहब ने याद कराया धोखे नाल ही ता पंजवें पातशाह नू वी लाहौर बुलाया गया सी। की उहनां नू पता नहीं सी? पता सी पर रब नू प्यार करन वाले रब दी रजा च रहना पसंद करदे ने। गुरु जी तुरका दे पापां दा हिसाब कौन करेगा? की कदे उहनां नू वी उहनां दे जुल्मां दी सजा मिलेगी? गुरु साहब ने सोझी पाई जेड़ा अनाज धरती ते बीजोगे ओही उगेगा ओही वड्ढना पएगा। वड्ढन दी रुत कदों आएगी ए निरंकार जानदा है। गुरु जी एनी तां गर्मी नहीं फिर इन्हां दोहां दे मत्थे ते पसीना? इन्हां दोहां दी अखां विच मैं अजीब जी बेचैनी वेखी है बाकी तुसीं जानी जाणो। गुरु साहब ने समझाया खालसा जी हर एक प्राणी अपने आप च पूरा ब्रह्मांड है। किसे दे ब्रह्मांड च झाक के देखोगे तां उहदे गुण औगुण तुहाडे अंदर आ जाणगे। चंगा यही होएगा कि असीं अपने अपने ब्रह्मांडां दी खोज करिए। इसे खोज विच ही साडे मन नूं सुख अते शांति प्राप्त होएगी। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे जो खोजे सो पावे। की सोच रहे? किसे दे पिट पिछे वार करना मैनू ते ठीक नहीं लग रहा। कमाल है पहली वार मिलके गुरु दा इन्ना असर हो गया तेरे ते। देखिया नहीं ओ किवें मुस्कुरा रहे सी जिवें उन्हां नू पता होवे कि असीं की करन आए आ। मैं तां उन्हां दी मुस्कुराहट देख के डर गया। गुरु साहब दी अखां विच किन्नी सच्चाई है देखी तू? मैं अपने शिकार दी अखां च उस नूं मारन तों बाद देखदा ए देखण लई कि उह मर गया जां नहीं। मैं तां कल ही सवेरे वापस जा रहा। ओए रूहानी गुरु दे नवें चेले उह जिहदा नां वजीर खान है ना उहदे अंदर शैतान दी रूह है। उसने तेरे इसे गुरु दे बच्चियां नूं किन्नी बेरहमी नाल मारिया सी याद है ना? जेकर इत्थों खाली हथ गए ना तां उह तेरे समेत सारे परिवार नूं उस तों वी ज़्यादा बेरहमी नाल मारेगा। हुण रब दा नां लै ते चुप करके सौ जा। दो चार दिनां च मैं गुरु वाला काम तमाम कर दूंगा तू बाहर पैरा दे बस। शुक्रिया। ए पंजाब दा नक्शा है माधुदास इस नक्शे नूं ध्यान नाल देखो। ए आनंदपुर साहब ए सरहंद ते ए चमकौर इस नक्शे विचों जालिमां दा नामो निशान मिटा देना है। जिस वक्त माधो दास ने शस्त्र विद्या सिखण दे नाल नाल गुरबाणी विच लीन होना भी सिख लिया
गुरु साहब ने माधव दास नु अमृत छका के खालसा पंथ विच शामिल कर लिया। सतगुरु होए दयालता सरदापुरी है, सतगुरु होए दयालना। निरंकार ने अपनी कुदरत विच एक एहो जिही तस्वीर बनाई। एक पासे भाई दया सिंह जी जिन्हां नू गुरु साहब ने पंजा प्यारियां समेत पहली वार अमृत छकाया, ते दूजे पासे बंदा सिंह बहादुर जिसनू आखरी वार गुरु साहब ने अपनी हजूरी विच पंजा प्यारियां दे राहीं अमृत दी दात बख्शी। जद मैं पहली बारी सिंह सजिया तो मेरे भी यही हाव भाव सी। भाई दया सिंह जी, ये पगड़ी ये तो एवं है जिवें सिर ते ताज है। मैं इस ताज नूं पंजाब दी शान बना दांगा। तुसीं ये ताज पहली बारी कित्थे सजाया सी? आनंदपुर। जदों भी तुसीं आनंदपुर कहिंदे हो मैनूं परिवार दा विछड़ना याद आ जांदा है। सरसा नदी दे विछोड़े बाद माता सुंदरी जी दी गुरु साहब नाल मुलाकात किथे हुई सी? रायकोट तो पिंड दीने कांगड़ होंदे हुए गुरु साहब ने पिंड तलवंडी दे कोल जा डेरा लाया। हौले हौले संगतां जुड़न लगियां। ते वजीर खान? बादशाह ने सरहंद बैठियां फौजां दिल्ली बुला लईयां। वजीर खान शांत होके बैठ गया। बंदा सिंह देखदिया ही देखदिया तलवंडी विच ऐसियां रौनकां लगियां कि तिल सुटन दी थां वी ना रही। माता सुंदरी जी उस वक्त दिल्ली सन, बेखबर उन्हां कोल पहुंची। आहा सुखा सिंह, किवें आया? सुख तो है ना? गुरु साहब साबो की तलवंडी पहुंच गए ने। फिर तो वड्डी गिनती विच लोकी आ रहे ने, दीवान सज रहे ने, संगतां जुड़ रही ने। ओए भलिया लोका, इस ते खुशी दी खबर है। तेनू देख के ता मेरे हाथ पैर ठंडे हो गए सी। मैं सोचिया पता नहीं की होया, तू ठहर इत्थे, मैं हुणे जाके खुशखबरी माता सुंदरी जी नू। रुको भाई मनी सिंह जी, खुशी मेरी घबराहट का कारण नहीं है। अच्छा, चारे साहब साधे थे माता जी। ओए की होया साहब साधियां ते माता जी नू? बस एक दो नू छड़ के तुहाडे साहब साधियां दे सारे कपड़े तैयार ने। माता जी वाहिगुरु ने तुहाडी अरदास प्रवान कर ली। सुखा सिंह बड़ी चंगी खबर लेके आया। गुरु साहब जी इस वक्त तलवंडी विच हन। फिर तो संगतां जुड़न लगियां ने, उत्थे दीवान भी सजदे ने। तेरा लख वार शुक्र है मेरे दाता, तू मेरे दिल दी मुराद पूरी कीती। सारे हुणे इसे वेले साबो की तलवंडी नूं तैयारी करांगे। भाई सुखा सिंह जी, तुहाडे मूंह की शक्कर, समझ नहीं आ रही तुहाडा किवें शुक्रिया अदा करा। तुसीं सानूं जिउंदिया च कर दित्ता। सुखा सिंह मैनूं इह दस रिहा सी कि ओ मेरे चारे लाला बारे है ना सुखा सिंह? चारे? हाँ, बोल। ओ चारे उते? ओ चारे उते ने, ता फिर देर किस गल दी? जल्दी करो, जी करदा है हुणे उना चारा नू कुट के सीने ना ला लवा। इंज लगदा जिवें अपनी औलाद दा निक महसूस कर रही हां। अपने पुत्तां नू मिलन दा बड़ा चाह है। जल्दी तलवंडी पहुंचिए। बड़े चावां नाल चलो माता साहिब कौर के पुत्तां दे दी। दस हुण सुखा सिंह मैं तेरियां गल्लां माता जी नूं किवें दसां? हे सच्चे पातशाह, साडे इस ताहीं हिम्मत नहीं माता जी ते सदरां ते चावां परे दिल नूं ठेस पहुंचाउण दी। गुरु जी सानूं माफ कर देना, ये काम हुण तुहानूं आप ही करना पवेगा। बड़े चावां नाल तुरी सी मां के पुत्तां दे दीदार होणगे, पुत पौणगे कलजे ठंड मेरे ते सामने दा तार होणगे। की सोच ते सामने दा तार होणगे। बड़े चावां नाल तुरी सी मां के पुत्तां दे दीदार होणगे। किन्नी देर लगेगी? बस पहुंचने वाले हैं। पहुंचते ही चूरी बनवा देना,
मेरे लाल बहुत खुश होके खांदे ने। हुणे मेरे सामने किसी सेवादार नु कह दियो। हुणे कहना माता जी, फकीर सिंह ढेर सारी चूरी बनवा के गुरु साहब को पहुंच जाई। चुम चुम निके आनू गोदी च खिडावांगी, वड्डे आनू कुट के कलेजे नाल दावांगी, कलेजे नाल दावांगी। रखा हिक च बना के चैन दिल दा, रखा हिक च बना के चैन दिल दा, वो अखां दे खुमार होणगे ते सामने दा तार होणगे। बड़े चावां नाल तुरी सी मां के पुत्तां दे दीदार होणगे। गुरु साहब ने कहा, उठ भी जाओ, हुण आना जाना मिलना बिछड़ना इसे नाल ही निरंकार दी दुनिया चलती है। पागां च लिखिया जीव आत्मा नूं भोगना पैंदा है। संजोग विजोग दोए कार चलावे, लेखे आवे पाग। बच्चे ते माता जी किते नजर नहीं आ रहे। निरंकार दी रजा च खड़े गुरु साहब ने कहा, मैं ता बच्चे ते माता दोहां नूं देख रहा हूं। किथे ने? गुरु साहब ने कहा, मेरे सामने माता, माता जी भी ने ते आ बच्चे भी ने। जी मैं अपने बच्चियां बारे पूछती हूं। गुरु साहब ने कहा, मैं भी बिगानियां वाली इशारा नहीं कीता। जी मैं माता जी ते चारों साहिब सादियां बारे पूछती हूं। गुरु साहब ने कहा, इन पुत्रन के सीस पर वार दिए सुत चार, चार मुए तो क्या हुआ जीवत कई हजार। ज्यों दी ही मर गई मां, कहर टह गया जो काल जे जो कोई रुग भर के ले गया है। मां वार वार बेखे करके हजार जेरा, पुत्र बगैर दिसदा सारा जहां हनेरा। होनी ने सी बिछोड़े मुड़ के नहीं साहब ने भाई दया सिंह नूं कहा, बच्चियां दी माता नूं कहो उसनूं अपने बच्चियां दी शहादत ते हंजू बहाउण दा पूरा हक है, लेकिन अपने चारां पुत्रां दे नाल नाल उन्हां हजारां दीआं कुर्बानियां भी शामिल कर रहे हैं जिन्हां ने साढ़े एक इशारे ते दुश्मन दीआं तलवारां हेठ अपने सीस धर दित्ते। वक्त गवाह है, जद जद भी चमकौर दी गली दा दरवाजा खुलिया मेरे पंज सिंह दुश्मन दे सामने जा के शहीद होए। फिर की होया जे उन्हां पंजां विच मेरा एक पुत्र भी सी कि मैं अपने पुत्र दा सोग मनावां ते बाकी चारां नूं भुल जावां। हर किस ने ना ए बेइंसाफी मैं कदी अपने खालसे नाल कीती है ते ना ही करांगा। माता जी चूरी तैयार। मैं तां चारां लई चूरी मंगवाई सी, पर तुसी तां मेरी चोली ए सारे पा दित्ते। इना च वंड दियो।
ਤੇ ਮਿਹਰ ਹੋਈ ਵੇਖੇ ਅਜਬ ਨਜ਼ਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹਜ਼ਾਰ ਹੋ ਕੇ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਲਾਲ ਚਾਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਚ ਖਾਲਸੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ ਦੂਰੀ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪੇ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਚੂਰੀ ਦਾਤੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹਜ਼ਾਰਾ ਚੋਲੀ ਮੇਰੀ ਚ ਪਾਏ ਹੋ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸੱਜ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਰਹੰਦ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਹਰ ਕਤਰੇ ਦਾ। ਜਲਦੀ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲੋ, ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਚੁੱਪ ਬੈਠਣ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਦੋ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕਾਤਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਲੜਨਾ ਹੀ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ? ਜੰਗ ਦੀ ਨੌਬਤ ਤਾਂ ਆਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਬਚੇਗਾ। ਵੱਡੀ ਬੇਗਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸੱਪ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬਸ ਦੱਸਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ। ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੰਬੂ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਤੂੰ? ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਰੁਕੀ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕੰਮ ਤਮਾਮ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਇੰਨੀ ਰਾਤ ਗਏ, ਇਹ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਚੱਲ ਹੁਣ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਤਲ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਦਾ ਪੱਟ ਕਾਫੀ ਡੂੰਘਾ ਸੀ। ਵੈਦ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸੀ ਕੇ ਖੂਨ ਰਿਸਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜ਼ਖਮ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਬਾਰੇ ਉਸਨੂੰ ਠੀਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਗੋਦਾਵਰੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਤਸੱਲੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜ਼ਖਮ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗਾ।
ظالم وزیر خان پنجاب تو سنیہا آیا سی کہ گرو صاحب دے پیجے پیغام کر کر پہنچ گئے نے لوکی کران دیاں چھتاں تے کھڑے ہو کے سچے پادشاہ دی راہ دیکھ رہے نے پر گرو صاحب دی چھاتی دا زخم انہاں نوں کوڑے دیاں لگاماں نہیں پھڑن دے رہا سی اس لئی انہاں نے چنے ہوئے سنگاں دے اکٹھ وچ پنجاں پیاراں دی سہمتی نال اپنے کوڑے دے شاہ سوار نوں نیکت کرن دا فیصلہ سنایا پنجاب نوں جان والے جتھے دی اگوائی बंदा सिंह बहादुर करेगा जो हुक्म करो साहब जी मैं इस नूं अपनियां कुछ सौगातां पेट करना चाहांगा ये ने साडे पत्थे दे पंज तीर خالصے دے گرجن دی آواز اے ہے کیسری نشان خالصے دی پہچان ہن اسی تینوں دس دے ہاں کہ اسی کس روپ چ تیرے نال ہواں گے گرو صاحب نے پھر بھائی بنود سنگھ کان سنگھ وجے سنگھ باج سنگھ تے بھائی رام سنگھ نوں اگے بلایا اے نے پنج پیارے انہاں دے روپ چ اسی ہر ویلے تیرے نال ہواں گے ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਤੂੰ ਅਟਲ ਕਰਕੇ ਮੰਨੇਗਾ ਜੋ ਹੁਕਮ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਦ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪਟ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਹ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਅਸੀਂ 25 ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਪੈਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਫੁਰਤੀ ਤੇ ਚੁਸਤੀ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਪੰਜ ਪੰਜ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਲੰਮਾ ਰਸਤਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਪਿੰਡ ਬੁੜੀਆ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਹੋਏਗਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਲਗਾਮਾਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜੱਥੇ ਦਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਲੜਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿੱਛੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੁਣਨਾ ਹੋਵੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ ਜੱਥਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏਗਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਪਠਾਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕੋਈ ਪਛਾਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਜੋ ਨਿਕਲਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮੁਸਕੁਰਾਏ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੂੰ ਆਏਗਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜੀ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਾਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਸਵਾਲ 'ਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੈ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਯੋਧੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਸੀ ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪਲੰਗ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਬੰਦੇ ਦਾ ਖੰਡਾ ਖੜਕੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਕਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਆ ਸਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸੋਝੀ ਪਾਈਏ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਸਮਝ ਲਵਾਂਗਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸਾਡੀ ਕਮੀ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਸੈਨਾਪਤੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦੁਰ ਤੂੰ ਵਾਕਈ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਆ ਤੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਬੰਦਾ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਲੈ ਤੁਰਿਆ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਹਕੇ ਤੁਰਿਆ
ਦਾ ਜ਼ਖਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪਰ ਵੈਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜ਼ਹਿਰ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਸਿੰਘ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੇ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਲਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅੱਜ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਸੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 5 ਪੈਸੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਹੋਣਗੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਰਾਹ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਵੀ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖਤਮ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਓਏ ਰੁਕੋ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ ਅੱਛਾ ਬੜਾ ਟੇਡਾ ਸੌਰਾ ਤੇਰਾ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨੇਕ ਕੰਮ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟੋਕਦੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤਾਂ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਟੱਕਰਨਗੀਆਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੋਹ ਛੰਦਾ ਤੁਧ ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਸ਼ਾਮ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦਿਨ ਨਾਂਦੇੜ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਬੜੇ ਅਨੋਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ ਪੰਛੀ ਚਹਿਚਹਾਏ ਨਹੀਂ ਮੋਰ ਹਿਰਨ ਮਸਤੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਦਾਸ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ ਸੰਗਤ ਵੀ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਆਖਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜ਼ਖਮ ਦੀ ਪੀੜਾ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਵਾਂਗੇ ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਜ ਨਾ ਕਹੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕੀ ਇਹ ਉਚਿਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਵਾਸ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੌਤ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨਾ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੁਨੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈਆਂ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਇਹ 5 ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਰਚਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪੂਜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਦੀਦਾਰ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਚੰਗਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿਓ
ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤਿੰਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਥੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਆਓ ਆਓ, ਲੰਘ ਆਓ। ਉਹ ਤੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ? ਤੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ, ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਸੁਣ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਗੋਦਾਵਰੀ ਕੰਢੇ ਬੈਠਾ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਸੈਨਾ ਸਮੇਤ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਬਗਾਵਤ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਈ। ਤੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਓਏ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨੰਦੇੜ ਬੈਠੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਰਤ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂ? ਮਾੜੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਿਮਾਰ ਸਨ? ਨਹੀਂ, ਸੁਣਿਆ ਛਾਤੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਆ ਸਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਝੀ ਪਾਈਏ, ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਸਮਝ ਲਵਾਂਗਾ। ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਜਿੰਨੀ ਗੋਬਿੰਦ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਸ਼ਨ ਹੋ। ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਓ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਪਗੜੀ ਪਹਿਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਗੜੀ ਪਹਿਨਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਸੋਚਦੇ ਸੋਚਦੇ ਕਿਤੇ ਗੋਦਾਵਰੀ ਵੱਲ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਲੱਭੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਗਏ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲ ਗਏ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਜਾਓ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦੇ। ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛੋ, ਗੋਦਾਵਰੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛੋ। ਮਾਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਪੁੱਛੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛੋ। ਹਾਂ, ਪੁੱਛਾਂਗੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਾਂਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਸੇ ਅਨੋਖੇ ਲਾਲ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਾਂਗੀ। ਬੋਲ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀਏ, ਬੋਲ ਮਾਂ ਭੋਲੀਏ, ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ।
गुरु साहिब ने कहा सी असी सारे नंदेड़ तो निकल के पहली बार इत्थे बुढ़िया च इकट्ठे होवांगे। पता नहीं सी कि इत्थे बैठ के दुख सांझा करांगे। बस तेनू पता सी के ना पंजा प्यारिया ने बैठ के फैसला किया है कि हुण पिछे नहीं मुड़ना। ना मखा नाल मंजिल धुंधली नजर आउंदी है। अपनी आंखां दे हंजू पुंजो ते दुश्मन दी आंखां चो नींद उड़ा दो। सिर्फ चिट्ठी नहीं आजादी की किताब का पहला पन्ना है जिहड़ा पढ़ेगा जोश नाल भर उठेगा। इन्हां नूं पंजाब दे हर इलाके च पहुंचा दो। पंजाब दूर नहीं, चिट्ठियां मिलते ही लोग भारी संख्या साढ़े नाल मिलन आ जाएंगे। पर असी खुद तंगी चा उन्हां सब दा ख्याल किवें रखांगे? जद कोई औकड़ आवे ते जिथे अपना जोर ना चले बस कलगीधर पिता अगे अरदास करो, सिर ऊपर थाडा गुरसूरा नानक ताके कारज पूरा। तंगी तोशी भी दूर हो गई ते सानू दिल्ली भी नहीं जाना पिया। ए लुबाणे सिखां दी दसवंद नाल साडियां मुश्किलां दूर हो गईयां। एक भज रहा है बंदा सिंह जी, कुछ लोकां दा झुंड साडे वल नूं आ रहा। इह तां किसे पिंड दे लोक लगदे ने। मैनू ना मारो, असी अपने घर खुला ही छड़ आया, सारा समान उत्थे ही है, जो चाहिए जाके लुट लो, मैनू ना मारो। असी लुटेरे नहीं हाँ। देखो मेरे को कुछ नहीं है, जाओ साडा पिंड लुट लो जाओ। कौन लुट रहे तुहानू? खूनखार डाकू रणधीर सिंह, तुसी ओदी आदमी हो ना, है ना? नहीं नहीं असी कोई डाकू नहीं हाँ, डरो ना, असी तुहानू इन्हां डाकुआं कोलों बचावांगे। ओ पागर पिंड ते हमला बोलन वाला, घबराओ ना। विनोद सिंह जी, ये पंजाब च जालमां दे खिलाफ साडा पहला कदम ते बागर च डाकू रणधीर सिंह दा आखरी। कल्ले आ गुरा ने बंदा तपी दे ते आ गिए, लोकां दे आ चेहरियां ते आस जही जागिए। उस्ताद पिंड खाली है।
जाओ घर लुटो ते जिस घर चो कुछ नहीं मिलता उथे अग लगा दो। रणधीर सिंह तेरे चैनी हिम्मत कितों आई मेरे आउन दी खबर सुन परिंदे भी आलना छड़ जांदे ने। हुण तो मेरे आउन दी खबर सुन उजड़े पिंड भी वास जाणगे। जिस दे सिर ते मुगलां दा हाथ होवे उस रणधीर सिंह नाल टक्कर। बहादुर मेरा नाम है। कदे निहत्थे ते वार नहीं करदे अले असी तुहाडे बहुत शुक्रगुजार आ जेड़ा तुसी सानू डाकुआं कोलों मुक्ति दुआई। एने खुश ना होवो असली डाकू अजे मरिया नहीं असली डाकू मुगल ने। जेकर सच्ची आजादी चाहुंदे हो ता तुहानू सब नू खुद लई लड़ना पवेगा। गुरु जांदा जांदा पता नहीं केड़ी मुसीबत साडे गल पा गई। दिल्ली दे नाल लगदे पंजाब दे छोटे मोटे कस्बियां नूं जीत के ओ की समझदा है सरहंद नूं हाथ पाऊ। ए सारिया सिखां नूं साडे सरहंद च ही आके क्यों मरना हुंदा। हुण ऐ करो ओदे ताईं पैगाम पहुंचाओ कहो के मेरे नाल टक्कर लैके वखावे देखियो फिर उस बंदे दा बहादुरपुणा किवें निकलदा है। तुहाडे गुरु नूं तां मैं दक्खण वल धक्किया है ओ उत्थे खत्म हो गया। ए गुरु दे बंदे दियां हड्डियां दा तां मैं सुरमा बना के सरहंद दे लोकां दियां अखां विच पावांगा। बस इत्थे ही चुप हो जा वजीर खान। असी अपने गुरु जी दी ते उहनां दे भेजे होए जथेदार दी होर बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करांगे। इन्नी हिम्मत। हाँ याद करो इसे कचहरी च खड़े होके छोटे साहिबजादियां ने की किया सी जदों जनाब ने पुछया सी
जेकर तुहानूं आजाद कर दिता जावे तां तुसीं की करोगे? पर मैं इन्हां कोलों इह तां पुछ लवां कि इह आजाद हो गए की करनगे? उही करांगे जो साडे गुरु पिता कर रहे हन ते जिहड़ियां सिंघां दीआं आउण वालीआं नसलां करनगीआं। आखिरी सां तक जुन ते बेइंसाफी दे खिलाफ लड़ांगे। ओ किवें? असीं अपने गुरु पिता दे सिंघां नूं फिर इकट्ठा करके फौज तैयार करांगे। ओही सब हो रहा है, उन्हां नूं ते शहीद कर दिता है, पर उन्हां दे कहे बोलता टाले ना, गुरु दे सिंघ फिर तो इकट्ठे हो गए ने। ते जल्द ही बंदा सिंह बहादुर दे सच्चे हत्थ दा अंगूठा तेरी कंटी नप देवेगा। खामोश गुस्ताखो, इन्हां दोहां नूं कोठरी च बंद करो ते इन्हां लई भयानक मौत दा इंतजाम कीता जावे। भयानक मौत आ तेरी पंजाब विच पहुंच चुकी है वजीर खान, झट हुण तू ओहदे हाथों बच नहीं सकदा। बंदा बहादुर, कल कैथल तो कुछ लोग मिलन आ रहे। खालसा जी, जेड़े सिंह असी पंजाब चिट्ठियां देके भेजे सी वो कुछ खबरसार लेके आए ने। हाँ हाँ, भेजो उन्हां नूं। सिंह जी, मैं समाणे जाके आया जी। समाणे नूं जेकर असी बाहर तो देखिए तां बड़ा खूबसूरत लगता है, जे अंदर जाइए तां हालात कुछ होर ही नहीं। मेरा कर्जा चुकाए बगैर समाणे तो भजन की कोशिश हो गई, पर तुहाडा कर्जा नहीं उतरिया। थक गया, तुहाडा कर्जा ला ला के हुण इस बच्चे ते रहम करो ते मैनूं मुक्त करो। दे दिओ इहनूं मुक्ति, जानो मार के पुट्ठा टंग दिओ। ये समाणा है समाणा, इत्थों कोई भी मेरा कर्जा चुकाए बगैर नहीं जा सकता। की कर्जा सी उस गरीब ते? कर्जा तो कुछ है ही नहीं जी। पहला तो उस गरीब तो काम करवांदे ने, फिर वो सिर्फ एक डंग दी रोटी देंदे ने, फिर जो वह भुखे मरदे रोटी लई होर पैसे मंगदे ने तां उन्हां दे ही हक दे पैसे उन्हां नूं कर्जे दे रूप विच दित्ते जांदे ने, ताकि वह सारी उम्र उन्हां थले दबे रहन। ये लोग पुश्तां दर पुश्तां कर्जे की चक्की विच पिसदे आ रहे ने। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਰਿਆ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦਾਈ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਣੀ। ਉਹੀ ਹਾਲਤ ਸਡੋਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਕਦ ਤੱਕ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ? ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ? ਫੌਜਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇਰੀ ਇੰਨੀ ਜੁਰਅਤ, ਤੂੰ ਸਡੋਰੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਿਆ। ਇਹਦੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਪ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦਫ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੋ ਕਪੂਰੀ ਚ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ? ਡੋਲੀ ਕਿਸ ਜਾਤ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਧਰਮ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਪੂਰੀ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਪਹਿਣਾ ਕਾਦਰੁਲ ਦੀਨ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਤੈਅ ਹੈ। ਹੁਣ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਪਤੀ ਕੋਲ। ਕਾਦਰੁਲ ਦੀਨ ਦੀ ਹੈਵਾਨੀਅਤ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਕਪੂਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਸਮ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਆਦਤ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਬਾਕੀ ਕੈਥਲ ਤੇ ਭਵਾਨੀ ਬਸ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਰਕ ਦੀ ਭੱਠੀ ਚ ਗਰਕ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮਾਧੋ ਦਾਸ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਮੰਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੋ ਰਹੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਵੱਲੀ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ? ਮੇਰੀ ਮਨ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਗਰੀਬ ਮਿਹਨਤ ਕਸ਼ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਮਿਲਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਪੂੰਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸਕਰਾਹਟਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਇੱਥੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਸਰਹੰਦ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਹੰਦ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਮਾਣੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਸਮਾਣੇ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਾਡੀ ਭੇਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਤਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਸਮਾਣੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਖਰਚਾ? ਕੈਥਲ ਤੇ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਅਮੀਰਾਂ, ਚੌਧਰੀਆਂ ਤੇ ਫੌਜਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਲੁੱਟੇ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ? ਹੱਲਾ ਬੋਲੋ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਿਰ ਸੋਨੀਪਤ ਤੇ ਕੈਥਲ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ।
ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੈਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੱਥੇ ਦਿਆ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਏ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਾਣੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵਧਣ ਲੱਗੀ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁੱਖ ਸਮਾਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਰਤਾ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਮਾਣੇ ਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਜੋ ਵੀ ਆਇਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਮਾਣਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ, ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਲੈ ਲੈ, ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦੇ। ਦੇ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ ਮੁਕਤੀ, ਚੌਰਾਹੇ ਤੇ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਠਾ ਟੰਗ ਤੇ। ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਰ 'ਚ ਚਿਲਣ ਵਾਲੇ ਚਲਾਕ ਸ਼ਾਸ਼ਲ ਦੇਗ ਤੇ ਬਾਸ਼ਲ ਦੇਗ ਸਮਾਣੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਸਭ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਵੀ ਉਸ ਦਰਿੰਦੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਸਰਹੰਦ ਨੇ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦੀਵਾਰ ਵਿੱਚ ਚਿਣ ਕੇ ਸਾਹ ਘੋਟ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਚੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਾਹ ਘੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੌਤ। ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਸਭ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੇਜਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਫੇਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਹਿਰਨੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ, ਤੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੌਣ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਾਲਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਤਾਈ ਹੋਈ ਜਨਤਾ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਫੁੱਟਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਵਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੋਝੀ ਪਾਈ, ਇਸ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਤੂਫਾਨ ਅੱਗੇ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਖੜਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤੂਫਾਨ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਬੰਦੇ, ਤੇਰੇ ਵਾਲੀ ਗਲਤੀ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇੱਥੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਨਾ ਜਾਣੀਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਰੰਗ ਮਾਣੀਏ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਦੌਲਤ ਜਿਹੜੀ ਅਮੀਰਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੁੱਟੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਕੋਲ ਵੀ ਸੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ। ਆ ਵੇਖੋ ਕਾਕੇ ਤੇ ਬਾਪੂ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ? 2 ਬੀਘੇ, 4 ਬੀਘੇ, ਮੈਂ 5 ਬੀਘੇ, 2 ਬੀਘੇ, 4 ਬੀਘੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਓ ਸੱਚ, ਇਹ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਓਏ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਭਾਈ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਾਲਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਣੇ ਦੇ ਫੌਜਦਾਰ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੰਤਕਾਲ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰੀ ਖਤਮ। ਹਜ਼ੂਰ, ਹਜ਼ੂਰ, ਸਮਾਣਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਮਾਝੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ।
सरन दे इस तरफों सिंगा दा जत्था दा की सिंगा दा कोई बच्चा भी नहीं जा पाएगा। जेड़ा बंदे दा ना लवे उसकी जबान खिंच लो, जेड़े कदम ओदे वाल वदन ओना कदमा दे डकरे कर दियो, हुकम दी तामील हो। बंदा सिंह वजीर खान दी हर चाल तो वाकफ सी। उसने अपना रुख सतलुज वल नूं कर दिता जिथे माझे ते दुआबे दे सिंघां नूं नवाब मलेरकोटला ने रोकिया होया सी। बंदा सिंह दा फिरे रथ सतलुज तक थमिया नहीं, उसने गुराम केसर शाहबाद अते मुस्तफाबाद ते जबरदस्त जित हासिल कीती। फिर कपूरी दी इट नाल इट वजा दित्ती। गुस्से च भरे लोग कपूरी दे अयाज फौजदार कादर उल दीन दी लाश ते थुकदे ते पत्थर मार के बंदा सिंह ने फिर सडौरे ते चढ़ाई कीती। दौरे के फौजदार उस्मान खान ने वीर बुद्धू शाह नूं सिर्फ इसलिए मार दिता सी क्योंकि उसने पंगाणी के युद्ध में गुरु गोबिंद सिंह जी की मदद की। उस्मान खान मारा गया, सदौरा आजाद हो गया। लोगों ने अपने प्यारियां दियां देहां नूं कबरां चों कढ के उन्हां दा दाह संस्कार कर दशमेश पिता का शुक्रिया अदा किया। वजीर खान दे दिन हुण गिणती दे रह गए ने, हुण तां ओह विचारे ने गिणने भी शुरू कर दिते होणगे। सानू दुआबे ते माझे दे सिंघां नूं तां बदले दे उस दिन दा इंतजार है जदों साडे हत्थां विच नंगियां तलवारां होणगियां ते सामने वजीर खान दा सिर। हां, साहबजादियां दी शहादत दा बदला लैके ही सानू चैन मिलेगा। ਉਹ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸਰੰਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਈਏ। ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ, ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ। ਸਾਥੀਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਈਰਖਾ, ਦਵੈਸ਼, ਵੈਰ, ਭੇਦ ਭਾਵ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਕਾਤਲ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਧਰਮ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਸੁਨਹਿਰਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਕਸਦ ਦੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਤਿਆਚਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਦਰਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਿੰਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ। ਸਜ਼ਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ ਉਸ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਨੂੰ। ਬੇਗਮ, ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਡੋਰਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਨਵਾਬ ਨਾਲ ਸਤਲੁਜ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਸਰਹੰਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਿੱਤ ਮੇਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਂ ਹਾਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੂੰ ਐਸੀ ਮੌਤ ਦਿਆਂਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਮੌਤ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖੌਫ ਖਾਏਗੀ। ਬੁਰਜ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੁੰਨੇ ਪਾਉਂਦੇ ਠੰਡੇ ਨੇਰੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਨੰਦੇੜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 31 ਨਿਕਲੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗਿਣਤੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਖੁੱਲਦਾ ਹੀ ਸਰਹੰਦ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਕਲਾ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ 'ਚ ਮਾਹਿਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤ, ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਵੀਰ ਤੇ ਸੁਹਾਗਣਾਂ ਨੇ ਸੁਹਾਗ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਯੁੱਧ ਲਈ ਤੁਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇਰੇ ਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾ ਸਕਦਾ। ਉਲਟੇ ਹੋਰ ਜ਼ਮਾਨੇ ਆਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭੇਦ ਸੱਜਣ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਪੜ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਐਸੀ ਮਾਲਾ ਬਣਾਈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਲੋਕ ਜਾਨ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਫਰਮਾਇਆ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਖੰਡੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਦੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਜ਼ਾਲਿਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੇਕ ਦਿਲ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਰੁਕ ਗਏ ਸਾਈਂ ਜੀ। ਕਹਾਂਗਾ, ਮੂੰਹ ਆਈ ਬਾਤ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਆਈ ਬਾਤ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਆਈ ਬਾਤ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਝੂਠਾ ਖਾ ਤੇ ਕੁਝ ਬਚਦਾ ਏ, ਸੱਚ ਆਖਿਆ ਪਾਪੜ ਮਚਦਾ ਏ, ਜੀ ਦੋਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਜੱਚਦਾ ਏ, ਜੱਚ ਜੱਚ ਕੇ ਜੀਵਾ ਕਹਿੰਦੀ। ਤੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਕੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਉਹ ਗੱਡਾ ਮਨ ਦੱਸ। ਹਜ਼ੂਰ, ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਰਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੰਗ ਲਈ ਬੜੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਜ਼ੂਰ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਦਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਸੀ, ਹੈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੂੰ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਇਆ, ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ, ਆਪਣਾ ਦੱਸ ਠਿਕਾਣਾ, ਜਿਸ ਥਾਣੇ ਦਾ ਤੂੰ ਮਨ ਕਰੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜਾ ਸੀ ਠਾਣਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੇ ਤੇ ਲੋਕ ਸਤਾਵੇ, ਕਸਬ ਫੜਿਆ ਲੁੱਟ ਖਾਣਾ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ? ਮੈਂ ਉਹਦੇ 40 ਟੁਕੜੇ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਸਿਰ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਕਿਲੇ ਤੇ ਗੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਲਗਾਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਸਿਰ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਹਜ਼ੂਰ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਨੌਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਚੋਂ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਸਰਹੰਦ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਥੇ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਬਹਿਬਾਜ਼ੀ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਗਾਜ਼ੀ ਹੋ, ਆਪ ਆਪਣਾ ਕੱਟ ਕੇ ਚੜਾਈ ਦਾ ਚੜਾਈ ਦਾ, ਕਹੋ ਕਿਸ ਥੀ, ਕਹੋ ਕਿਸ ਥੀ, ਕਹੋ ਕਿਸ ਥੀ, ਆਪ ਛੁਪਾਈ ਦਾ, ਕਹੋ ਕਿਸ ਥੀ। ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਚੱਪੜ ਚੜੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਬਨੂੜ, ਮਨੀ ਮਾਜਰਾ ਤੇ ਖੈਰ ਦੇ ਕਿਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਨ ਉਸ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇਖ, ਤੋਪਾਂ ਦੇਖ, ਦੇਖ ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇਖ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਚਿਥੜੇ ਹਵਾ ਚ ਉੜਦੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਛੱਕੇ ਛੁੜਾਂ ਲਈ ਤੋਪਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨੇ, ਕੁਝ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ। ਖੇਲ ਖਤਮ। 15,000 ਪੈਦਲ ਤੇ 12,000 ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਸਿਪਾਹੀ, ਦਰਜਨਾ ਹਾਥੀ, ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼, ਖੂੰਖਾਰ 5,000 ਕਾਜ਼ੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤੋਪਾਂ, ਖਬਰ ਪੱਕੀ। ਸਾਡੇ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਚੰਗੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੋਪਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਬਸ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਚੁਰਾਹਿਆਂ 'ਤੇ ਲਟਕਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਜੁੜੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਖੇਮੇ 'ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੀ ਫੈਲਾਏ ਇਸ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਿਆ? ਜੀ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਖੂਨ ਖੋਲ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੀ ਫੈਲਾਈ ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੀ ਖਬਰ ਸਭ ਦੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਉਬਾਲਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਬਸ ਤੂੰ ਇਸ ਖੂਨ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ। ਜੰਗ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਡਰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ,
सरहान ते फतेह हासिल करन दा की उचित समा है। खालसा जी, सोची सोचना हो गई, जे सोची लखवार। तुसी ता गुरु पिता जी नू अपना सेनापति मानदे हो, फिर भी सोची पै गए। खालसा जी, हमले दा उचित समा उदो है जदो तुसी तैयार हो। ते जदो तुसी तैयार हो, हर सिंह तैयार है। कौर ना सोचो खालसा जी, एक कायरा वाली हरकत उसकी घबराहट है। अंदरों ओ तुहाडे कोलों डर गया है। सिंह जी, अग्गे वधो। हाँ, असी तुहाडे नाल हां। सतनाम सतनाम वाहे गुरु, सतनाम सतनाम वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। खालसा जी, सरहंद तो एक आदमी ते एक औरत थानू मिलन आए ने। वो पहला भी दो तीन बार आ चुके ने। कहिंदे ने जंग शुरू होने तो पहला थोड़े नाल मिलना जरूरी है। हाँ जी, दसो। जी मैं नूरा हाँ। गुरु साहब जी दे कहन ते मैं सरहिंद गया सी। हाँ, भाई दया सिंह जी ने तुहाडे बारे दस्या सी। ये मेरी भैन रजिया जिन्हें छोटे साहबजादियां दी दीवार विच होंदी शहीदी अपनी अखी वेखी है। मैं तुहाडे लई कुछ लेके आई हां। उस दीवार दी पांच सालों तो मैं अपने कोल सांभ के रखी सी। इह तुहाडे वास्ते जंग विच अपने नाल रखना। मेरा विश्वास है तुसी वजीर खान नूं उह सजा दे सकोगे जिसदा उह हकदार है। जी, रोना नहीं। गुरु साहिब दा लख लख शुक्र है, उन्होंने तुहानू मेरे कोल भेजिया। आज मैं तुहाडे मुंहों सुनना चाहांगा कि उस दिन ते उस तो पहला सरहंद च की होया सी। सच्चे पातशाह, तुसी तां मैनूं पंजाब आजाद कराउण भेजिया सी, किसे कोलों बदला लैण लई नहीं। लेकिन जंग विच जाण तों पहलां जिहड़ी हैवानियत दी अखी वेखी कहानी इस भैन तों मेरे कन्नां ने सुनी है, उस नूं सुण के बस मैं यही अरस करांगा कि जिस वक्त वजीर खान मेरे सामने होवे उस वक्त तुसी मैनूं माफ कर देना, माफ कर देना। बंदा सिंह, ए सडोरा जा समाना नहीं, सरहंद है सरहंद, वजीर खान दा सरहंद। वजीर खान, ना ही मैं तेरा कोई फौजदार, ना ही कोई पहाड़ी राजा हां। सिंह हां सिंह, गुरु दा सिंह। ओए सिंगा, क्यों मौत नु हाथ पौना है? अपने सिपाहियां नाल आके मेरे सामने हथियार सुट दे। ओना दो मासूम बच्चियां दे सिर तक झुका नहीं सकिया ते तू मेरे गुरु दे शिरां नु गुलाम बनाउण दे सुपने वेखदा है? ओए गोडे टेक दे, मैं तुहाडे सारिया दियां जाना बख्श दियांगा। ओए तू किते गोडे टेकण बारे सोची भी ना, जालमा, मैं तेरी जान नहीं बख्शांगा। तेरी ये मुट्ठी पर फौज हथन तक मेरे कब्जे च होवेगी। तू अग्गे ता वध, इधर मेरियां तोपां वल वेख, इधर मेरे सिंगा वल वेख, एक एक अग दा गोला। बंदा सिंह,
आखरी मौका है तेरे कोल। वजीर खान आखरी ख्वाहिश है ता बोल। तू कल दा चढ़दा सूरज नहीं वेखेगा। सूरज ता अज तेरे मरण तो बाद ही डूबेगा। दुनिया दे सब तो अव्वल कौम दे सुरमियो, दुश्मन ते अजिहा हमला करो के साडे खौफ नाल इन्हां दीआं आउण वालीआं पुश्तां कुख विच ही खतम हो जाण। खालसा जी, काल बन के टुट पवो इन्हां दुश्मनां ते। तुसीं फौज अकाल दियो, असीं सिंह अच गरज के सरहंद च होए पापां दा इंसाफ करांगे। करफ नाल पार उठेगा साडी आउण वाली पीढ़ी दा सीना, जदों अज दा इतिहास बणनगे। ਅੱਜ ਦੀ ਜੰਗ ਦਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਕੌਣ? ਦੇਹ ਸ਼ਿਵਾ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਨਾ ਡਰੂ ਅਰਸੋ ਜਬ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ ਆਪਣੀ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ ਆਪਣੀ। नौ सिखी चढ़ाई करो। रुक जाओ, इस अगे तो पारी मार है। तेजी नाल अगे वधो, इस तो पहले अगले तो पता हमला हो। खबर है चप्पड़ चिड़िया आने वाले साडे बनूर खरड़ मनी माजरे दे हर किले दे सिख दीवार बन के खड़े ने, इसलिए कोई असला कोई मदद साडे तक नहीं पहुंच पाएगी। मदद दी लोड़ ता हुन उस नु पवेगी। ओदी फौज विच शामिल मेरे लोग हुने ही बाजी पलट देंगे। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੁਗਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਭਾਰੀ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਜੁੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੰਘ ਜੀ, ਰਾਖਵੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਖੰਡਾ ਖੜਕਾਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਜੋ ਆਏ ਨੇ ਗੁਰ ਲਈ ਸੀਸ ਨਾ ਤਲੀ ਤੇ ਦਿਖਾਓ ਨੇ।
देखे मैं वो ज्यादा तेनू चीर के रख देंदा। निहत्थे ते कारवार कर। मंदे कमी नानका चंद कद मंदा होए। देखिया मजलूमा ते अत्याचार करन वाला हर कोई एक दिन ऐदा ही धूल चट रहा होवेगा। हुण तू ये सोच रहा है ना कि मैं तेनू जान तो क्यों नहीं मारिया। उस दीवार की इट है जिस दीवार विच खड़े करके तू मेरे गुरु दे बच्चे शहीद किते सी। ए इट 5 साल पुरानी है। बाबा फतेह सिंह की उम्र उस वक्त 5 साल दी सी। इस इट नाल मैं 9 जगह तो तेरे शरीर नू खोलांगा क्योंकि बाबा सोरावर सिंह की उम्र उस वक्त 9 साल दी सी। अपनी करनी का फल भुगतन लई तैयार हो जा कर। काजी साहब सुचानंद की खबर है? असी लड़ाई हार गया। वजीर खान मारिया गया। बाल बच्चे चुको ते दिल्ली नु भजो। ए ता सुचानंद है। रुक सुचानंद, आज बच के नहीं जा सकता तू। सुचानंद सुचानंद माफ करते हो बंदा सिंह जी, मेरे तो बहुत वड्डी भुल हो गई। सुचानंद याद कर इस जगह ते खड़े हो के तू मेरे गुरु बारे की कहा सी। सुनिया तुसी? सुनिया? सब दे बच्चे सब भी हुंदे ने। आला इसे सवार नाल कहा सी कट दे हो पर मैनू मारो ना। ते हुण याद कर तेनू बाबा जोरावर सिंह ने की जवाब दिता सी। सुचानंद
जुबान नू लगाम दे मजलूमा देओ दोस्त ने नेकी उना दी पहचान है शीश चुका के आदर कर गुरु गोबिंद सिंह उना दा नाम है आलो चुकाता शीश चुकाता शीश है वेखो चुकाता गुरु साहब नू चुकाता तो हनू चुकाता शीश हुण इसे तरह चुकया रहे सिर उपर चक पाखंडिया अपनी जुबान नाल बोल के दस फिर बाबा फतेह सिंह ने तेनू की कहा सी शुकर कर असी थोड़े कैदी हां नहीं तो सौ गुरु पिता दी हुन तक तेरा सिर मोड़े तो गिर चुका होना सी माफ कर दियो मैनू चाहे ठंडे बुर्ज विच उम्र भर कैद कर दियो पर मैनू मारो ना तू शुक्रिया अदा कर बाबा फतेह सिंह जी दा जिन्होंने तेरी मौत का आसान जिहा फरमान उसे दिन ही पढ़ दिता सी उन्हां मासूमां दा कहा तां मैनू पूरा करना ही पवेगा वजीर खां की बेगम के बच्चों अपनी हिरासत विच ले लिया जिथे जाना चाहते ने इन्हों उस जगह से हिफाजत इज्जत नाल छड़ गया गुरु साहब दिया मेरा उस वजीर खान के बच्चों रिहा कर दिता जिसने उन्होंने बच्चों दीवार चिणिया
मैं जानता हाँ कि अज की जंग के सेनापति तुसी आप सी ते ए जित भी तुहाडी है। बोले सोनिहाल। बंदा सिंह बहादुर ने ना सिर्फ पहले खालसा राज की स्थापना की बल्कि उसने अपने गुरु के नाम के सिक्के चला के उन्होंने सच्ची श्रद्धांजलि दी। उन्होंने सिक्किया नानक शाही सिक्के भाव श्री गुरु नानक देव जी के सिक्के कहा जाता सी। उन्होंने सिक्किया लिखा सी सबना दे दाता सतगुरु नानक जी की असीम कृपा दे नाल ते शहनशाहां दे शहनशाह सच्चे पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की तलवार की फतेह नूं अर्पित। ये सिक्के अध्यात्मक ते संसारक दोवें जहानां लई जारी किए गए। बंदा सिंह ने लोहगढ़ के किले नूं अपनी सेना का मुख्य केंद्र वजों स्थापित किया। उसने पहाड़ी राजियां नूं लोहे दे चने चबाए जिन्हां ने आनंदपुर की जंग विच गुरु साहब नूं धोखा दिता सी। उसने लाहौर की हद तो लैके दिल्ली की हद सोनीपत तक अपने राज का झंडा गड़िया। इस तो पहला बंदा सिंह बहादुर समाणे ते चढ़ाई करदा भाई फतेह सिंह अपने साथियों समेत बंदा सिंह नाल आ मिलिया। सरहंद की लड़ाई मौके उसने ही वजीर खान का सिर कलम किया। वह पिंड चक भाई के नाँ का रहने वाला सी जिहड़ा कि अजकल चक फतेह सिंह वाला दे नाम नाल जाने जाता है। उसके वड्डे वडेरे चौथे गुरु साहब के भगत सन। उन्हां दी बारहवीं पीढ़ी अज भी इस पिंड विच वसदी है। बंदा सिंह ने चंबे दे राजे उदय सिंह दी बेटी सुशील कौर नाल व्याह कीता जिसकी कुखों उसका पुत्र अजय सिंह पैदा होया। बंदा सिंह दा दूसरा व्याह साहिब कौर नाल होया जेड़ी के जदों गुरदास नंगल बंदा सिंह दी गिरफ्तारी हुई वो उस दे नाल नहीं सी क्योंकि उस वेले वो बंदा सिंह दे बच्चे दी मां बनने वाली सी। बाद विच उसने उसके पुत्र नूं जन्म दिता जिसकी नौवीं पीढ़ी अज भी कटड़े दे कोल पिंड रियासी ते रोहतक दे निवासी हन। मुगलों ने लोहगढ़ का किला जितने तो बाद भुखे भेड़ियों की तरह बंदा सिंह की तलाश शुरू कर दी। उस वक्त उसने रोपड़ जलंधर के मार्ग पिंड रायल माजरा दी गुफावां च शरण लै ली। ये इतिहासिक गुंझलदार गुफावां इन्नियां उच्चियां सन कि पहाड़ी के एक सिरे तो दूजे सिरे तक घोड़सवार आसानी नाल निकल जाते सन। ये लुकण लई उत्तम जगह सी। इन्हां विचों कुछ कु गुफावां अजे भी उत्थे मौजूद हन। बादशाह फारूक शाह के हुक्म नाल बंदा सिंह बहादुर नूं गिरफ्तार करन लई मुगलों ने 8 महीने गुरदास नंगल की कच्ची गढ़ी नूं घेरी रख्या। आखिरकार बंदा सिंह ने पत्नी सुशील कौर पुत्र अजय सिंह ते 200 तो वध सिंघां नाल आत्मसमर्पण कर दिता। हालांकि अपने परिवार समेत बच के निकल जाण दा पूरा इंतजाम सी पर उसने अपने गुरु दे अनमोल उपदेश नूं याद रख्या। मरना उसे दा सफल मन्या जांदा है जो दूसरियां नूं मरण दी जाच सिखा देवे। लोगों विच खौफ पैदा करन लई मुगलों ने बंदा सिंह दे टुकड़े टुकड़े करके पूरी दिल्ली विच खिलार दिते। परंतु उसकी दूसरी पत्नी साहिब कौर दे भरा ने कुछ कु टुकड़े इकट्ठे करके उन्हां दा संस्कार कर दिता ते अस्थियां अज भी पिंड रियासी दे डेरा बाबा बंदा सिंह बहादुर दे मठ विच महफूज हन। बंदा सिंह ने सिंघां दीआं आउण वालीआं पीढ़ियां नूं संघर्ष लई तैयार कीता जिन्हां ने ना सिर्फ अहमद शाह अब्दाली नाल टक्कर लई बल्कि महाराजा रणजीत सिंह नूं सिख राज स्थापित करन च भी मदद कीती। जड़ी जोत उसने कौम अंदर जगाई ओ हौली हौली इन्नी तेज होके भड़की के पांबड़ बन गई। ओ थां जिथे बाबा बंदा सिंह बहादुर ते उन्हां दे बेटे अजय सिंह नूं मुगलों ने शहीद किया सी ओ अज गुरद्वारा शहीदी स्थान बाबा बंदा सिंह बहादुर दे नाम नाल जाणिया जांदा है जिहड़ा कि कुतुब मीनार तों 1.5 किलोमीटर दूर महरोली नवी दिल्ली विच है। नंदेड़ दा ओ स्थान जिथे जाके गुरु साहब ने डेरा लाया सी ओ अज महाराष्ट्र विच है ते तखत सचखंड श्री हजूर अबचल नगर साहब दे नाम नाल जाना जांदा है। ए सिखां दे 5 तख्तां विचों एक है। ए गुरुद्वारा महाराजा रणजीत सिंह दे हुक्म नाल सन 1832 तों 1837 विच बनाया गया सी। ओ सारियां रस्मां जिहड़ियां गुरु साहब वेले प्रचलित सन ओ अज भी उत्थे उसे तरह निभाईयां जांदियां हन। चमकौर की जंग तो बाद साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने मुगलों के शहनशाह औरंगजेब नूं जफरनामा लिखिया जदों वह अहमदनगर विच सी जिस विच उन्हां ने औरंगजेब नूं चंगी फटकार पाई ते कहा कि तू इंसानी तौर ते कमजोर होण दे नाल नाल एक अत्याचारी शासक भी है। तू ते तेरे चहेते सिपे सालारा ने पहला साडे नाल वादे कीते ते फिर उन्हां वादियां नूं तोड़िया।
जफरनामे गुरु साहब ने औरंगजेब नू चेतावनी दी कि खालसे दा संकल्प उस वक्त तक पूरा नहीं होवेगा जदों तक तेरे शैतानी राज दा अंत नहीं हो जांदा। औरंगजेब ए सब पढ़ के कंब उठिया। उसने गुरु साहब नू मिलन दी इच्छा प्रकटाई, परंतु मुलाकात तो पहला ही उसकी मौत हो गई। चप्पड़चिड़ी दे महायुद्ध विच बंदा सिंह ने वजीर खान ते फतेह पाई। इस जित दी याद विच अज उत्थे एक बहुत वड्डी मीनार खड़ी कीती गई है। ये जगह चंडीगढ़ दे कोल मोहाली विच है।